हैप्पी टीचर्स डे। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं। व्हाई वी सेलिब्रेट टीचर्स डे ऑन 5th सितंबर। हम सभी जानते हैं कि 5 सितंबर को जो है हम टीचर्स डे मनाते हैं। इस दिन स्कूलों में बहुत सारी ऐसी स्कूलें होती हैं जहाँ पे रंगारंग प्रोग्राम्स किए जाते हैं, फंक्शंस होते हैं, बहुत से बच्चे होते हैं जो गिफ्ट लेके जाते हैं और टीचर्स को देते हैं, और बहुत सी एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में, पोएम्स भी होते हैं, डांस भी होते हैं। तो चलिए यहाँ पे आज हम बताते हैं कि शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है, किसके लिए मनाया जाता है, और जिनके लिए हम शिक्षक टीचर्स डे यानी शिक्षक दिवस मनाते हैं उनके बारे में आप कितना जानते हैं, तो उनके बारे में इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे जान लेते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में, जिनके जिनका आज बर्थडे है और उसको हम शिक्षक दिवस टीचर डे के रूप में मनाते हैं। अपने जीवन में आदर शिक्षक रहे भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। इनके पिता सर्वपल्ली वीरास्वामी राजस्व विभाग में काम करते थे। इनकी मां का नाम असीतम्मा था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा लूनर मिशनरी स्कूल तिरुपति और बेंगलोर में हुई। इसके बाद उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पढ़ाई की। 1903 में युवती शिवा कामू के साथ उनका विवाह हुआ। राधाकृष्णन ने 12 साल की उम्र में ही बाइबिल और स्वामी विवेकानंद के दर्शन का अध्ययन कर लिया था। उन्होंने दर्शन शास्त्र से एमए किया और 1916 में मद्रास रेजिडेंसी कॉलेज में सहायक अध्यापक के तौर पर उनकी नियुक्ति हुई। उन्होंने 40 वर्षों तक शिक्षा के रूप में काम किया। 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के कुलपति रहे और इसके बाद 1936 से 1952 तक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्राध्यापक के पद पर रहे और 1939 से 1948 तक वह काशी हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति पद पर आसीन रहे। उन्होंने भारतीय संस्कृत का गहन अध्ययन किया। साल 1952 में उन्हें भारत का प्रथम उपराष्ट्रपति बनाया गया और भारत के द्वितीय राष्ट्रपति बनने से पहले 1953 से 1962 तक वह दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इसी बीच 1954 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उन्हें भारत रत्न की उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर राधाकृष्णन को ब्रिटिश शासन काल में सर की उपाधि भी दी गई और इसके अलावा 1961 में इन्हें जर्मनी के पुस्तक प्रकाशन द्वारा विश्व शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कहा जाता है कि वे कई बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुए थे, यानी कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और फिर राष्ट्रपति भी बने थे और भारत रत्न पाने वाले भी थे डॉक्टर राधाकृष्णन, जिनका हम जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1962 में भारत के सर्वोच्च राष्ट्रपति पद को सुशोभित किया। जाने माने दार्शनिक बर्टेट रसेल ने उनके राष्ट्रपति बनने पर कहा था कि भारतीय गणराज्य ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को राष्ट्रपति चुना, यह विश्व के दर्शन शास्त्र का सम्मान है, मैं उनके राष्ट्रपति बनने से बहुत खुश हूँ। प्लेटो ने कहा था कि दार्शनिक जो राजा और राजा को दार्शनिक होना चाहिए। डॉक्टर राधाकृष्णन को राष्ट्रपति बनाकर भारतीय गणराज्य ने प्लेटो को सच्ची श्रद्धांजलि दी थी। वर्ष 1962 में उनके कुछ प्रशंसक और शिष्यों ने उनका जन्मदिन मनाने की इच्छा जाहिर की तो उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे बड़ा सम्मान की बात और कुछ हो ही नहीं सकती कि मेरा जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए, और तभी से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। शिक्षक दिवस के अवसर पर शिक्षकों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन 17 अप्रैल 1975 को हो गया, लेकिन एक आदर्श शिक्षक और दार्शनिक के रूप में वे आज भी सभी के लिए प्रेरणादायक हैं। क्या आप जानते हैं कि सभी देशों में शिक्षक दिवस अलग अलग दिन मनाया जाता है? जी हाँ, वैसे तो विश्व शिक्षक दिवस का आयोजन 5 अक्टूबर को होता है, लेकिन इसके अलावा विभिन्न देशों में अलग अलग तारीखों पर शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
ऑस्ट्रेलिया में यह अक्टूबर के अंतिम शुक्रवार को मनाया जाता है, भूटान में 2 मई को, तो ब्राजील में 15 अक्टूबर को, कनाडा में 5 अक्टूबर को, तो यूनान में 23 जनवरी को, मैक्सिको में 15 मई को, पराग्वे में 30 अप्रैल और श्रीलंका में 6 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है और भारत में 5 सितंबर को। तो अगर इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो वो होता है 5 अक्टूबर। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए और यदि आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। एक बार फिर से हमारी तरफ से आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। टेक केयर, बाय।